हूँ प्यार सी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्लाह पाक के करम से हम भी ठीक हैं। तो अभी हो रहा है सुबह का 9 का टाइम और अभी जी आज ये ईद का तीसरा दिन, ये आपको ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और जी आजकल तो मेरे ब्लॉग बहुत ही शार्ट हो रहे हैं और कुछ टेंशन परेशानियाँ वो भी आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत शेयर करूँगी। और जी आज जो है नाश्ते में जो हलवा पूड़ी मंगवाई थी और बच्चों के लिए जो फ्रूट्स वगैरह भी हस्बैंड ले आए थे। और आज बच्चों ने ज़िद की कि सेवैयाँ, क्यों से ईद के जो पहले दिन जो है मैंने सेवैयाँ वगैरह बनाई थी ना तो थोड़ी थी और बच्चे सही से खा भी ना, कुछ बार भी दी थी। बच्चों ने फिर से ज़िद की कि चलें जी हमें फिर सेवैयाँ बना के दें, क्योंकि बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और हमारे यहाँ पर जी लाइट भी जा चुकी थी नाश्ते के टाइम और इतनी शदीद गर्मी हो रही है कि बता ही नहीं सकती आपको, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। यकीन करें कराची में मैंने तो कभी इतनी गर्मी नहीं देखी जितनी इस दफ़ा कराची में हो रही है। हालांकि कराची में इतनी गर्मी नहीं होती थी, अब तो बहुत ज़्यादा हो गई और मुझे इतनी पित्त हो गई है पूरे चेहरे पर। तो बस जी गर्मी है और सोच रही हूँ सोलर पैनल या ले लेती हूँ या बैटरी ले लेती हूँ या कोई चार्जिंग पंखा, कुछ ना कुछ जो है सोच रही हूँ कि ले लूँ, क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे और घर भी बंद है, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कोई ना कोई सेटअप तो करना पड़ेगा। आप लोग सुनाए कि आप लोगों की ईदें कैसी जा रही हैं और मेरी ईदें कैसी जा रही हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करती रहूँगी साथ साथ में। और वैसे जो है मैं वीडियो भी सही नहीं बना पा रही, कल वाली वीडियो भी आप लोगों ने देखी होगी और मतलब दिल से नहीं बना रही, और आज वाली वीडियो भी जो है मुझसे जो है बन गई जो मैंने बना दी। और यकीन करें बस दिल को थोड़ा थोड़ा उदास भी है थोड़ा, तो वो आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत बात भी शेयर करूँगी। और मतलब जैसे ही मुझे टाइम मिला कल या परसों वाली व्लॉग्स में ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो बस जी यहाँ पे जो मैंने नाश्ता वगैरह बना लिया था तो मैंने कहा जो सफाई वगैरह कर लेती हूँ, हस्बैंड तो सोने चले गए थे तो उनकी तो ये महीना पूरी ही नाइट जा रही है। जब नाइट ड्यूटी होती तो मैं एक कमरे की सफाई सही से कर नहीं पाती और जब बच्चे सोए होते हैं रूम में और हस्बैंड आ जाते हैं तो बच्चे देर तक सोते हैं, क्योंकि उनकी टाइमिंग जो फ़िलहाल तो वही जा रही है, जब तक जो है बच्चे स्कूल नहीं जाते तब तक तो बच्चे लेट ही सोएंगे, क्योंकि हमारी जो है लाइट की टाइमिंग भी चेंज हो गई। जब से ईद के तीसरे दिन से ही हमारी लाइट जाने लग गई है, मतलब दो दिन लाइट रुकी है और तीसरे दिन से ही सुबह से स्टार्ट हो गई, लाइट भी जाने लग गई है। और आज बच्चे ज़िद कर रहे थे कि हमें जो है आप पिज़्ज़ा मंगवा के दें और बच्चों को बहुत दिल कर रहा है पिज़्ज़े का, तो मैंने कहा पिज़्ज़ा खाने के लिए चलें बाहर जाएंगे, क्योंकि उनके पापा को तो बिल्कुल पिज़्ज़ा वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसी चीज़ें स्पाइसी, और बर्गर वगैरह वैसे खा लेते हैं तो बाकी तो है जो घर का खाना जो है शौक़ से खाते हैं। तो खाना जो है आज मैंने बना लिया था, नॉर्मल कोरमा बनाया था, ईद का तीसरा दिन था और जी धनिया मेरे पास थी नहीं तो मैंने कोरमा ऐसे ही बना लिया था। तो ये भी चाय बनाई है शाम की, हमारी चाय यहाँ पे तैयार हो गई है। बर्तन जो थोड़े से पड़े थे वो जो है मैंने धो लिए थे, तो हस्बैंड यहाँ पे उठ गए, मैंने कहा चले जी उनको चाय दे देती हूँ, बच्चों को भी दे देती हूँ। और ये देखिए जी मैं जो कप ले आई थी, और ले तो पहले आई थी ईद से पहले जो है, और आप लोगों को नहीं दिखाई तो आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और गगू की जो है केटो वैसे भी फेवरेट है और इस पर केटो बनी हुई मैंने अलग अलग से लिए हैं और ये मुझे सिंगल सिंगल कप जो है आराम से मिल गए। और ये बच्चों को प्रिंसेस बहुत पसंद है मलाइका हुरैन को, और ये जो है हुरैन का कप है और ये जो है ये वाला जो है मलाइका का कप है, और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए इन कपों को देख के। और दूसरे प्लास्टिक वाले कप जो हैं उनके पापा ने कहा ये जो आप टुकड़े वाले को दे दें, तो मैंने कहा नहीं रहने दें सामने प्यारे लग रहे हैं, कभी पानी वगैरह पी लेंगे जूस वगैरह पी लेंगे, इसको फेंकती तो नहीं हूँ, बहुत प्यारे लग रहे हैं किचन में रहने देती हूँ। और वैसे जो है चाय इसमें दूँगी, और थैंक यू सो मच कि आप लोग जो है मेरे बच्चों से इतना प्यार करते हैं और मुझे जो है कॉमेंट्स में, मतलब पहले भी एक बार कॉमेंट्स एक और आया था, फिर जो दूसरी बार जो है दो तीन बार कॉमेंट्स आया कि सिस्टर आप जो प्लास्टिक के कप में बच्चों को चाय ना दिया करें, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को मेरे बच्चों की भी फिक्र है। और मैंने भी इस बारे में सोचा था कि बच्चों को गर्म चाय नहीं दिया करूं, और वैसे भी नॉर्मल पीते हैं थोड़ी बहुत, जिसमें पानी ऐड करके बच्चे जो हैं पी लेते हैं उसका असर कम हो जाता है। तो बहरहाल जी मैंने कहा चलें बार बार जो बहन भाई मैसेज कर रहे हैं तो उनका कहना मान के जो है मैं कप बच्चों के ले ही आती हूँ, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हुए थे कि हमें मम्मा इसी में ही चाय दिया करें और वो कप आप रख दें। तो अभी जी है बस इनको चाय देती हूँ और खाना वगैरह जो बिल्कुल तैयार है और सेवैयाँ जो हैं वो भी बनानी है मुझे, तो अभी जो है बच्चों को जो है चाय वगैरह दे देती हूँ, हस्बैंड उठ के उनको चाय देती हूँ। पहले इस तरह होता था कि मैं खाना खाने के बाद ही हम लोग चाय पीते थे,
उससे जो हड्डियों की कमज़ोरी, और डॉक्टर ने भी मना किया था कि आप लोग पहले चाय ना लिया करें, खाना खाने के बाद जो फिर आप लोग जो है चाय पीते जो है ना, उससे जो है नुकसान होता है, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। और मैंने कहा चलें ठीक है, अब जो है हम लोग करेंगे, पहले जो है चाय पियेंगे उसके बाद खाना खाया करेंगे। देखिए सुबह का नाश्ता जो होता है ना हमारा, वहाँ पे जो है ना सुबह खाने में मतलब सालन वगैरह होता है, अंडा होता है, तो उसके साथ जो इतना मसला नहीं है। जैसे हम लोग दिन में जो वैसे चाय पी लेते हैं, शाम में अगर खाना खाने के बाद जैसे हमारी आदत बनी होती है कि हम लोग बाद में चाय पिए, तो इस तरह जो है डॉक्टर ने मना किया, इस तरह उन्होंने कहा कि आप लोगों के लिए नुकसान है, इस तरह ना किया करें। मैंने कहा चलें जी अब ऐसा नहीं करेंगे, चाय पहले पी लिया करेंगे। और जी सुबह पापे भी चाय वाले लेके आए थे और बेकरी से, और ये पापे जो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, और मुझे तो चाय के साथ जो है केकर्स वगैरह जो हैं वो भी बहुत ही पसंद हैं, बेकरी वाले हों तो अच्छे लगते हैं। और माशाल्लाह अभी किचन वगैरह जो है बिल्कुल साफ़ है, बस अभी जो है मैंने बच्चों के लिए सेवैयाँ बनानी, उन्होंने ज़िद की हुई कि हमें खाना नहीं खाना, हमें सेवैयाँ खानी है। तो मैंने कहा चलें जी पहले आप लोग चाय पी लें, उसके बाद जो है सेवैयाँ भी आप लोगों को बना देती हूँ। तो बच्चे जो हैं कार्टून वगैरह भी देख रहे थे, साथ साथ में चाय भी पी रहे थे। और मेरी ईद तो बस जो ही हस्बैंड जो है ड्यूटी पे होते हैं, बस ये भी वैसे ही नॉर्मल दिन की तरह जी हमारे दिन जा रहे हैं बस। और बस हस्बैंड आज कह रहे थे चले जी बच्चों ने जो ज़िद की है एक तो पिज़्ज़े की, तो बाहर चलेंगे कुछ खाने के लिए। तो मैंने कहा चलें कल जो है इंशाल्लाह हम बाहर जाएंगे, और ये सेवैयाँ का बड़ा पैकेट ले आएँ, आज बड़े सेवैयाँ का पैकेट बड़ा था और दूध कम था, तो मैंने कहा चलो जी थोड़ा ही बना लेते, थोड़ी जो है बाद में रख देंगे। और अभी जो है मैंने लाइटिंग को जो है सेट कर लिया, पूरी किचन की जो लाइटिंग को सेट किया है, बस अल्लाह करे अब ये ना गिरे दोबारा, और जब गिर जाती फिर टेंशन हो जाती इस लाइट को, लाइट की जो है ना बहुत ही वज़नी है, तार जैसे ही गर्म होती है ना मतलब 10-15 मिनट के अंदर अंदर तो फिर फौरन जो है ना तार साइड से गिरने लग जाती है। और अभी जो है मैंने इसको ये लगा दिए, कह रहे तो हैं ये सही है, पूरी ही मैंने खाली कर दी, मैंने कहा सारी लगा देती हूँ इसे। तो बहरहाल जी अभी तो फिलहाल लग चुकी है, बाकी थोड़े से बर्तन थे वो मैंने जो है अभी धोने, और ये अभी बच्चों को जो है मैंने कहा सेवैयाँ पहले बना के देती हूँ और उसके बाद जो बाकी काम वगैरह भी करते हैं। तो अभी मगरब का टाइम भी स्टार्ट हो गया था, तो अभी इसमें डालते हैं सेवैयाँ। और आप लोगों ने बताना है आप लोगों की ईदें कैसी गुजरी हैं। और एक सिस्टर कह रही थी हमारे घर तो मतलब मेहमान ही आने जाने में लगे हुए थे, हमारे घर में तो कोई मेहमान वगैरह नहीं आए थे, और मैं ही मतलब ईद के दूसरे दिन जो है अम्मी के घर गई थी, और उसके बाद जो है हम लोग ना घूमने वगैरह गए ना बाहर खाने वगैरह खाने गए, खाना वगैरह खाने के लिए कल जो है इंशाल्लाह जाएंगे। तो दिल नहीं करता बाहर, इतनी ज़्यादा गर्मी आपको क्या बताऊँ मैं, यकीन करें ईद के दूसरे दिन के बाद तो मज़ीद स्टार्ट हो गई है। हालांकि जो है मतलब कह रहे थे कि ईद के दिन ही मतलब बारिश वगैरह हो गई, मौसम अच्छा हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा ज़्यादा ही हब्स हो गई है। और मैंने अपना ये वाला सूट पहन लिया, क्योंकि मेरे जो ईद के कोई ड्रेस वगैरह नहीं है, आप लोगों को पता है मैं शादी की शॉपिंग वगैरह कर रही थी, और मेरे दो ड्रेस तो पड़े हुए थे, मैंने स्टिच नहीं किए तो ना करवाए बाहर से, तो बस टाइम नहीं था। तो बस मैंने कहा चलें जी वो जो मेरा पिंक कलर का था वो जो मैंने पहने थे और पहले दिन और दूसरे दिन वही ड्रेस पहन लिया, आज जो है मैंने ये वाला ड्रेस अपना पहले वाला जो है चेंज कर लिया। और मैंने इसके जो है अब तक जो है गले पे बटन वगैरह अब भी नहीं लगाए, इतना मैं यकीन करें मुझे सुस्ती हो जाती है, पता नहीं क्या मसला है, बहुत ज़्यादा मुझे सुस्ती हो गई है अब तो, यकीन कर वीडियोस बनाने को भी बिल्कुल ज़बरदस्ती जो है ना मतलब कैमरा जैसे उठाता है और वीडियोस बनाना स्टार्ट करता है, जैसे कोई दिक्कत स्टार्ट जैसे इंसान हो ना, इस तरह हो गई हूँ मैं। और बस वीडियोस बनाना तो आप लोगों को पता है मजबूरी है, जहर सी बात है, चैनल पे काम करना है तो वीडियोस तो रेगुलर बनानी पड़ती है। और अभी सोच रही हूँ कि मैं जो हूँ रेगुलर वीडियोस बनाऊँ, और बस जी मैं कहती बस एक बार बारिश हो जाए, थोड़ी सी हब्स ख़त्म हो जाए, तो फिर जो मैं डेली के ही व्लॉग्स बनाऊंगी। और बस हमारी गली में बहुत ज़्यादा शोर होता है, मेरा दिल नहीं करता हालांकि मैं वॉइस ओवर करूँ इसमें, क्योंकि डबल मेहनत होती बहुत ज़्यादा। और बस अब तो हमारी गली में बहुत शोर शराबा, बच्चे जो हैं हमारे गली के बिल्कुल ही मतलब हमारे दरवाजे के सामने ही खेलते हैं, इतना शोर होता है, गेंद वाला सारा दिन खेलते रहते हैं, और वहाँ से चुप होते तो कुछ जो है मेरे बच्चे स्टार्ट हो जाते हैं शोर शराबा करने, इनको चुप कराती हूँ तो कोई टीन डब्बे वाला गुजर जाता है। तो बस जी अगर उनको देखती रहूँ तो फिर तो मेरी वीडियोज़ जो है ये दूसरे दिन भी अपलोड ना हो और बस ऐसे ही दिन गुजर जाए। और लाइट की टाइमिंग बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है, अब तो लाइट कुछ ज़्यादा ही जाने लगी है यकीन करें, और टाइमिंग जब चेंज हुई है ना दो दिन तो मुझे सोचने में लगे कि वो टाइमिंग है मैन कौन सी, समझ ही नहीं आ रही थी।
और यहाँ पे बच्चों के लिए जो है मैंने सेवैयाँ जो है मैंने बना ली थी, और सेवैयाँ थोड़ी ज़्यादा डाली थी, मैंने कहा गाढ़ी गाढ़ी बना लेती हूँ। हालांकि मुझे केस्टर वाली बनानी थी, मुझे केस्टर वाली बहुत ज़्यादा पसंद है। हस्बैंड ने कहा मैं भी थोड़ी सी चेक कर लूँगा, पर आप जो एक केस्टर नया डालिएगा, मुझे सादी पसंद है। और यहाँ पे बच्चे और हस्बैंड जा रहे हैं भाई कीमा बनवाने के लिए, मैंने कहा आप कीमा बनवा के लाएँ कि मैं जो कल कबाब भी बनाने, और जैसे आप लोगों को बताया था कि मैंने करेले जो बनाने थे आज, और आज करेले नहीं बनाए इसी वजह से कि जो इन्होंने कहा था कि मैं सुबह आपको जाके ना ले जाऊंगा गोश्त और कीमा बनवा के ला दूंगा, पर इन्होंने सुस्ती की है और नाश्ता करने के बाद ये फ़ौरन सो गए थे, और ये अभी जा रहे हैं। और कल बनाऊँगी कीमा करेले, और किसी वो मेरे भी फेवरेट हैं, हस्बैंड के भी फेवरेट हैं। और आप लोगों को पता है जैसे गर्मी है और बड़ा गोश्त भी गर्म होता है, करेले भी गर्म हैं, और करेले तो मैंने जो है इससे भी पहले के लेके रखे थे, मैंने कहा ख़राब ही ना हो जो बना ही लेते हैं। तो बस जी सेवैयाँ डालने के चक्कर में इधर देखें जी बातें बातें में जो मेरी चाय भी गिर गई। चलें जी ये तो डेली का ही होता है, ये होता है यकीन करें, जितनी भी मैं कोशिश कर लूँ कि ना चूल्हा जो अगर मैंने साफ़ किया ना गिरे चाय, ना गिरे ये सालन या कुछ ऐसा कुछ, तो फिर भी हो ही जाता है। और यहाँ पे स्पून जो बच्चों के लिए मैं बड़े बड़े जो मैं रख रही, छोटे मुझे मिल रही नहीं थे, मैंने कहा चलें जी बच्चों को दे देती हूँ स्टील की कटोरियों में। और क्योंकि थोड़ी थोड़ी जो ना सेवैयाँ गर्म थी, इसलिए जो मैंने प्लास्टिक के बॉल्स में बच्चों को नहीं दिए, क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी हो रही थी, मम्मा हमें जल्दी से सेवैयाँ दे दें, जल्दी से सेवैयाँ दे दें। आप लोगों को पता है जैसे कि प्लास्टिक के जो है ना बर्तन में फ़ौरन गर्म नहीं डालना चाहिए, और ये इतनी गर्म तो नहीं थी, फिर भी मैंने कहा चलें जी बच्चों को इन कोलियों में दे देते हैं स्टील की कोलियों में। तो बच्चे जो हैं आराम से यहाँ पे बैठ के अभी खा रहे हैं, और मैं जो फटाफट मैंने कहा रोटी बना लेती हूँ, हस्बैंड का काम का टाइम हो गया, उन्होंने कहा जी जल्दी जल्दी आप रोटी बनाएं और मैं थोड़ी सी सेवैयाँ चेक कर लेता हूँ। और यहाँ पे ये देखिए खाना जी आज मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा बनाया था, एक आलू मैंने इसमें डाल दिया था बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जो आलू से जो सालन वगैरह जो खा लेते हैं। तो अभी जो फटाफट जो है रोटियाँ बनाती हूँ, और बस मैंने कहा रोटियाँ वगैरह बना लेती हूँ, उसके बाद जो बर्तन वगैरह भी धोऊंगी। और यहाँ पे देखें जी लाइटिंग का तो फिर वही हाल था कि लाइटिंग जो फिर से गिरने लग गई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको क्या लगाऊं। अगर आप लोगों को पता हो कि UH तो मैंने पहले भी लगा चुकी हूँ, और समन बॉन्ड वो भी मैं लगा चुकी हूँ। आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि जिन सिस्टर ने ये घर में किचन में लाइट लगाई हुई है, और मतलब सर्दियों में तो ये सही रहेगी, गर्मियों में मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। और आप भी थोड़ा बहुत मुझे मतलब मशवरा दे दीजिएगा कि मैं अब इसके साथ क्या करूँ, इसको उतार के फेंक दूँ। और उतारती हूँ तो फिर जो किचन में थोड़ा अंधेरा सा, तो लाइटिंग का मसला होता है सिर्फ वीडियोज़ के लिए, और ऐसा कोई मसला नहीं है। तो मैंने भी लगाई भी इसी वजह से थी कि लाइटिंग के लिए थोड़ी मेरी ना वीडियो अच्छी बने, और ये अच्छी लगती है लाइटिंग ना फ़ौरन नीचे जाती है ना तो सामने वीडियोस अच्छी बन जाती है। तो बस मुझे दिल भी नहीं भी कर रहा इसको उतारने को, और दिल कर रहा है, एक दिल तो एक गुस्सा जब आता है दिल करता है उतार के इसको फेंक दूँ। तो बहरहाल माशाल्लाह यहाँ पर रोटियाँ जो है होगी तैयार, तो अभी हम लोग खाना खाते हैं। तो हस्बैंड को बहुत जल्दी हो रही थी, मैंने कहा चलें जी, बोल रहे थे मोबाइल रख दो वीडियोस बाद में बना लेना, मुझे पहले जो है आप खाना दे दें। तो चलें जी मैं उनको खाना देती हूँ, और हम लोगों ने कल जाना जी बच्चों को बाहर जो है पिज़्ज़ा खिलाने और खाने पीने कल जाना है। तो बच्चों के जो है मैंने ड्रेस वगैरह निकाल ली, उनकी मैचिंग की चूड़ियाँ मैंने निकाल ली, जो बच्चों को जो मेहंदी में मैंने पहनानी थी वो चूड़ियाँ मैंने निकाल रही हूँ, उसी के जो है मैंने मेहंदी वाले खुद से भी बच्चों के निकाल ली, इन सूटों के साथ मैच हो गए, तो वो जो भी मैंने निकाल लिए हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को बहुत जल्द वीडियोस में बताऊंगी ये मैं क्यों बच्चों को पहना रही हूँ। तो बस जी ये जो है हमारी कल की तैयारी हो चुकी है, इस वीडियो का यहीं पे करूँगी एंड, कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।